हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूवीज फोबिया पर। दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं पांच ऐसे मूवीज जो डार्क वेब और हैकिंग से रिलेटेड है। तो वक्त जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, डॉट क्लिक। 2005 में आई ये 1 घंटे 27 मिनट की मूवी आपको काफी पसंद आई। Charlie Danes is a veteran homicide detective. You're a dinosaur, Charlie. Now, he must catch a brutal killer. इस मूवी की कहानी की बात करूं तो कहानी में एक डिटेक्टिव उस सीरियल किलर को ढूंढने में लग जाता है जो इंटरनेट पर लाइव मर्डर को ब्रॉडकास्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये उस डिटेक्टिव की कहानी है जो आपको अजीब अजीब और नए नए तरीके दिखाएगा जिससे आजकल डार्क वेब सर्फ किए जाते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉन इरविन ने और IMDb ने इसे 4.8 दिया है आउट ऑफ 10। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, आपको ये काफी अच्छी लगेगी। How many people seen this? 2 million, maybe more. I want to look for cameras. With the clock ticking. The image is coming in from a cell phone. You just give me a location before the poor man drowns. And the world watching. You think that's a game? Somebody just died. For one driven detective. So why can't this be one person? His only chance. There's one person operating alone. This is a classic brutal murder. Scene. Is to trust his instinct. Find somebody else. There is nobody else. The hell there is. Bauer Martino Studios presents. Armando Sante. Dot. नंबर टू, अनफ्रेंडेड बॉक्सी। 2020 में आई ये सिर्फ 24 मिनट की ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। वैसे तो अनफ्रेंडेड डार्क वेब जैसी कई सारे मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन ये नई मूवी है जो आपने शायद नहीं देखा होगा। Alright lads, you know my mind just has been blown recently since I got this new webcam. Oh mate, I didn't even know it. Oh, I love my technology. Staying alive is my a love good song. Beginning, my love has my end. Oh man, this is my fourth coat today. You know? Who's that? Who's what? Someone joined the call. Did they? Yeah. इस मूवी की कहानी की बात करूं तो कहानी में सैम और एड नाम का दो दोस्त स्काइप पर रात में एक दूसरे से लाइव चैट करता है और अचानक से चीजें तब बदल जाती हैं जब उसके स्काइप पर कोई अननोन पर्सन ऐड हो जाता है और अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मैथ्यू लैंडफोर्ड ने और IMDb ने इस मूवी को दिया है 4.3 आउट ऑफ 10। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, काफी आपको अच्छी लगेगी। He knows your name. Is this your friend that you unfriended? No. Who are you? And what do you want? Little box. Did you hear that? What do you need from me? Little box. No. And they all look just the same. Oh, game night is... It's incredible. Number 3. Virkar, Chakravyuh. Virkar. Crime Branch, Mumbai. अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उसका। आई थिंक यू गाइस शुड टोटली हुक अप। सारी वीडियोस है हमारे पास, सारी लड़कियों से पैसे निकलवाते हैं। तुम्हारे सारे पैसे चुका चुकी हूँ ना, प्लीज बस अब और नहीं। दोस्तों मैं इस टीवी सीरीज को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग काफी हाई है और डार्क वेब और हैकिंग से कई सारे बातें इसमें बताई गई हैं। इस सीरीज की कहानी की बात करूं तो कहानी में एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर जिसका नाम विर्कर है, वो एक ऐसे क्रिमिनल को तलाश करता है जो कई सारे कॉलेज की गर्ल्स और बॉयज की सीक्रेट मैसेजेस और वीडियोस को लीक करने की धमकी देता है और उसे ब्लैकमेल करता है। ये कहानी उसी चीजों को बयां करती है। आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी क्योंकि IMDb ने इसे 10 में से 9.1 की रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इस सीरीज के सारे एपिसोड्स हैकिंग के नाम पे रखे गए हैं। जैसे नंबर 1 फिशिंग, एपिसोड नंबर 2 क्लिकबेट। क्लिकबेट आपको पता ही होगा कि आप अगर किसी चीज पे अगर क्लिक करते हैं तो वो असल में दूसरे वेबसाइट पे खुल जाता है और आपका IP एड्रेस और आपका इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चला जाता है। इस सीरीज की टोटल 9 एपिसोड बने हैं और अभी ये सीजन वन ही है। हो सकता है कि इसका सीजन 2 भी बने। वीरकर, क्राइम ब्रांच मुंबई। अभी अभी राज और सागरिका का स्टेक मिला है क्षितिज के कंप्यूटर। दोनों मर्डर्स में डेफिनेटली कुछ कनेक्शन है। डार्क वेब, इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड, क्रिमिनल्स यूज करते हैं। इस सारे अकाउंट्स को हैक करो। ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की इतनी सफाई के साथ मर्डर प्लान नहीं बना सकती। इसके साथ कोई है। Hey,
But I wanted you to have the pleasure of looking at me. समझ गया मैं। आगे भौंक। एक टाइम बम। 24 घंटों में फटने वाला है। बहुत सारी लड़कियां रातों रात फेमस हो जाएंगी। तुम्हारे लैपटॉप के कैमरे को हैक किया उसने। This guy is a pro. हमें किसी भी तरह गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस को रोकना होगा। विरकर, इस गेम के रूल्स मैं बनाता हूँ। Raj Chitij Nayantara, I want all. Veergar, enough is enough. You put another kid's life at risk. Sir, आपको जो करना है करो, और मैं भी वही करूँगा जो मुझे करना है. तुम already बहुत कुछ कर चुके हो वीरकर. अगर वो बिना बाहर आ गया, I'm dead. उस ब्लैकमेलर के सारे पैसे एक हार्डवेयर वॉलेट में मेरे पास हैं. ये लेने वो मेरे पास जरूर आएगा. तुम्हारे सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे बोलो ये वीडियो नाइफ करने से रोक दे। You have broken the law. You are suspended. नंबर 4, I Lied. 2015 में आई ये 1 घंटे 37 मिनट की मूवी आपको काफी पसंद आएगी। I'm just not ready to move on, all right? After the way she treated you? I never knew if I was truly in love. You can't afford that place, dude. You don't have a job. You spend all your time online playing with gadgets and video games. And I'm reviewing apps because I can make tons of money on YouTube. You know what, man? For a smart guy, you're also pretty naive. इस मूवी की कहानी की बात करूं तो कहानी में एक यंग लड़का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता है जो लाइव स्ट्रीम करता है और उसे कई सारे टास्क दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्लू व्हेल गेम था। इस एप्लीकेशन में लाइव स्ट्रीम के साथ आपको कई सारे टास्क दिए जाएंगे जिसमें किडनैपिंग, टॉर्चर और मर्डर भी शामिल है, और जो टास्क को पूरा करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा और उसके उतने व्यूज बढ़ते जाएंगे। इस मूवी के कई सारे सीन्स आपको डार्क वेब जैसे चीजों से कनेक्टेड होती हुई नजर आएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया था फ्रैंक कॉल्फॉन ने और आईएमडी ने इसे दिया है 4.5 आउट ऑफ 10। Everything goes away. Where's mom? She's in a coma. You signed a contract, made a deal. I never read it. They never do. I know what a user agreement is. You didn't sign your soul away on your iPhone. This thing is real. I don't know what this thing's doing in your head, but it's not responsible for what's happening in life. You are. You know, there are no shortcuts in life. Sometimes you just have to put the work in. One, two. You work for me now. You did this. Thank God I found this thing, because I'm ready to finally start. Number 5. Hashtag Horror. Who is that? You can't just leave. No matter how bad it gets, you're 12. I hate you. Coolest picture ever of me and my besties. What are you doing? You're not a princess. 2015 में आई ये 1 घंटे 37 मिनट की मूवी काफी पसंद आएगी, लेकिन ये मूवी थोड़ी बोरिंग है क्योंकि इस मूवी की कहानी में उतना कुछ खास नहीं है। इस मूवी की कहानी की बात करूं तो कहानी में 6 लड़कियां रात में सोशल मीडिया के एडिक्शन के कारण कुछ ऐसा गेम ओपन कर लेती हैं जो चीजें अचानक से बदल देती हैं। इस मूवी को तो मैं देखने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ी बोरिंग है और उतनी अच्छी भी नहीं है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टारा सबकॉफ ने और राइटर भी वही है। इस मूवी को आईएमडी ने दिया है 3.0 आउट ऑफ 10। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है और ये बुरी तरह से पिट गई। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी और मूवीज की लिस्ट लाते रहते हैं, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।